दोस्तों, अब डीयू के केस को खारिज करवाने के 5 नए तरीके आ गए हैं। अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डीयू का केस फाइल किया है तो उस केस को आप तुरंत तुरंत खारिज करवा सकते हैं, एक दिन के अंदर भी खारिज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 5 तरीकों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये तरीके कौन से हैं, इनकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जब पति के ऊपर डीयू का केस फाइल होता है तो पति बिना वजह उस केस के अंदर परेशान हो जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अपना पैसा और समय बर्बाद करते हैं। पर अब पति को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर पति इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो जल्दी से जल्दी उस केस को खारिज करवा सकते हैं। पत्नी को कोई भी राइट अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो पत्नी को कोई भी राइट वो नहीं देंगे अगर डीयू के केस को खारिज करवा लेंगे। तो एक एक करके मैं 5 तरीके इस वीडियो के अंदर आपको गिनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसका आप फायदा आगे जाके उठा सकते हैं, डीयू के केस के अंदर उठा सकते हैं। तो ये 5 तरीके कौन से हैं, तो इनमें पहला तरीका तो ये आता है कि आपको ये देखना है कि पत्नी ने जो डीयू का केस फाइल किया है, क्या वो जुरिडिक्शन बेस पे फाइल किया है, यानी कि पत्नी जहाँ पे रहती है वहीं पे क्या उसने डीयू का केस फाइल किया है। अगर वहाँ पे उसने फाइल किया है तब तो डीयू का केस चलेगा, अन्यथा पत्नी जहाँ पे रहती है वहाँ पे फाइल नहीं किया है और दूसरी जगह पे पत्नी ने डीयू का केस फाइल कर दिया है तो वो केस चलने लायक नहीं है। उस केस को आप जुरिडिक्शन बेस पे केस के स्टार्टिंग के अंदर ही खारिज करवा सकते हैं कि ये केस पत्नी का यहाँ पे चल ही नहीं सकता है, क्योंकि पत्नी का ये जुरिडिक्शन बनता ही नहीं है। तो पहला तरीका तो केस को खारिज करवाने का ये आता है। अब बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जब दो कपल की शादी होती है, वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो वाइफ क्या करती है कि हस्बैंड के साथ में रहती ही नहीं है, या फिर रहती है तो बहुत कम समय तक रहती है, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी, और उसके बाद में वो हस्बैंड यानी कि पति से अलग हो जाती है और तब जाके वो डीयू का केस फाइल कर देती है। तो ऐसा केस भी चलने लायक नहीं होगा, क्योंकि उस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही नहीं है, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में कैसे हो गया, यानी कि घरेलू हिंसा जब उसके साथ में होती नहीं है तो डीयू का केस भी चलने लायक नहीं होता है। तो उस केस को इस ग्राउंड के आधार पर भी खारिज करवा सकते हैं। अब इसमें डीयू के केस को खारिज करवाने का तीसरा तरीका आता है कि बहुत सी पत्नियां यानी कि बहुत सी वाइफ क्या करती है, हस्बैंड यानी कि पति से अलग होने के काफी समय के बाद में डीयू का केस फाइल करती है, यानी कि पत्नी कई सालों के बाद में डीयू का केस फाइल करती है, डीयू का केस करती है। तो उसको आप इस आधार से खारिज करवा सकते हैं कि अगर किसी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो क्या रुक के बैठ जाएगा? वो बैठेगा नहीं, वो आवाज़ उठाएगा, वो न्याय लेगा और वो तुरंत तुरंत एक्शन लेगा, वो कानूनी कार्रवाई करेगा और उसके द्वारा एक्शन ये लिया जाएगा कि उसके द्वारा तुरंत डीयू का केस फाइल किया जाएगा। यहाँ पे पत्नी के साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो चुप थोड़ी बैठेगी, इतना वेट थोड़ी करेगी, इतने साल का टाइम थोड़ी लगाएगी, वो तुरंत तुरंत है जो केस करेगी। पर यहाँ पे अगर पत्नी ऐसे मामले के अंदर ज़्यादा समय लेती है, यानी कि बहुत सालों के बाद में डीयू का केस फाइल करती है, तो इस आधार से भी आप उस डीयू के केस को पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं, वो केस है जो चलने लायक नहीं होगा, उस केस को आप खारिज करवा देंगे। अब चौथा तरीका आता है कि पत्नी ने 498 का केस भी किया है और डीयू का केस भी किया है। अब 498 का केस पूरी तरह से पति के पक्ष के अंदर आ गया है, वो केस खारिज हो गया है और डीयू का केस चल रहा है, तो पति को क्या करना है कि जो 498 का केस उसके पक्ष के अंदर आया है उस जजमेंट की कॉपी को ले जाकर डीयू के केस के अंदर लगाना है और वहां पे एक डिसमिसल एप्लीकेशन लगाना है। और डिसमिसल एप्लीकेशन के जरिए से पति की तरफ से कोर्ट के अंदर ये बोलना है कि जब पत्नी के ऊपर 498 की कठिनाई नहीं हुई है, वो केस ही पति के पक्ष के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं हुआ है, घरेलू हिंसा भी नहीं हुई है, उसके साथ में कहीं पर भी गलत नहीं हुआ है, उसने झूठा केस फाइल किया है, क्योंकि एक केस से दूसरे केस की कड़ी जुड़ी हुई होती है, तो इस आधार से डीयू का केस भी खारिज हो जाएगा। या फिर 498 केस के अंदर पति के रिलेटिव का नाम है, पति के पेरेंट्स का नाम है, अन्य मेंबर्स का नाम है, उनका नाम 498 केस से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, पाया गया है कि इनका इस केस के अंदर कोई भी दोष नहीं है, और वहाँ पे फिर पत्नी ने डीयू का केस फाइल कर दिया है, डीयू के केस के अंदर पत्नी ने उन लोगों के नाम फिर से लिखवा दिए हैं, तो जो 498 केस में उन लोगों के नाम निकले हैं तो वो जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उसको ले जाके डीयू के केस के अंदर लगाना है और डीयू के केस के अंदर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाना है, जिससे उन लोगों के नाम डीयू के केस से भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये तरीका अपना के डीयू के केस से उन लोगों के नाम पूरी तरह से हटवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। अब पांचवा तरीका ये आता है कि बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी जो डीयू का केस करती है तो उसके अंदर सभी के नाम लिखवा देती है, पति के रिलेटिव, फैमिली मेंबर, इन सभी के नाम लिखवा देती है। पर ये देखने को मिलता है कई मामलों के अंदर कि जो पति पत्नी है वो अलग रहते हैं और जो रिलेटिव फैमिली मेंबर है वो अलग रहते हैं, यानी कि वो साथ में रहे भी नहीं है तब भी उनका नाम केस के अंदर होता है, तो इस आधार से भी उनके नाम उस केस से हटवाए जा सकते हैं। बस वहां पर रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा, इस आधार से नाम है जो पूरी तरह से निकल जाएंगे
उनके नाम से वो केस है जो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।